हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ही एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी स्टूडेंट्स जो एसएससी के स्टूडेंट्स से और एचएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स से उन सभी के लिए यहां पे आज मैं सामने आई हूं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बार ऐसा पूछ रहे कि हमारे एग्जाम्स किस तरह से होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पूछ रहे कि हमारे 11th की एडमिशन किस तरह से होंगे। कोई लोग मुझे ये पूछ रहा है कि हमारे ईवीएस प्रोजेक्ट किस तरह से बनाए जाएंगे, उसके बारे में क्या होगा, हमारा इंटरनल असाइनमेंट के बारे में क्या होगा। इवन जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से ये पूछ रहे कि हम पढ़े कि नहीं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग के डाउट्स है जो आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें स्टूडेंट, जिससे जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। एंड बिफोर दैट स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। इवन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखें, क्योंकि आप सभी के लिए मैं लगातार जो भी एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स होंगे, इवन अगर सॉल्यूशंस आपको चाहिए रिगार्डिंग ओसी एसपी इकोनॉमिक्स फॉर 12th स्टैंडर्ड, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग स्टडीज, इफ यू फील कि यू वांट फ्रॉम मी देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड अ हेल्प टू यू। तो बेसिकली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। अभी आइए शुरू करते, पहले हम शुरू करेंगे फ्रॉम एसएससी स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से हम ऑल स्टेट्स को भी कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम समझना शुरू करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल किए थे, उसके बाद जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उन्होंने भी 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल किए। ये हमने भी देखा था, मैंने उसके लिए वीडियो भी अपलोड किया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो जो सीबीएसई बोर्ड है उन्होंने एचएससी के बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन किया, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने भी बोर्ड एग्जाम्स को क्या किया, पोस्टपोन किया। इससे हमें एक सिनेरियो क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो भी डिसीजन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का जो भी डिसीजन डिपेंड होगा वो प्योरली कंफर्म किसके ऊपर डिपेंड होगा, सीबीएसई बोर्ड के ऊपर डिपेंड होगा। तो आपको वेट करना है स्टूडेंट, जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से बेसिकली उनको थोड़ा इंतजार करना है, क्योंकि जब तक सीबीएसई बोर्ड कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेता रिगार्डिंग 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, तब तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए भी कोई अपडेट नहीं कंफर्म होगा। तो पहले तो आप उसके लिए इंतजार करना है। सेकेंड अगर मैं बात करूंगी तो जो एसएससी के स्टूडेंट से उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बोला था कि उनके लिए इंटरनल असाइनमेंट और इंटरनल असेसमेंट ये टर्म यूज किया गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंटरनल असाइनमेंट वर्क उन्होंने यूज किया। सेकेंड अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का ऑप्शन लाया। तो अगर हम बात करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली कंफर्म बता दिया है फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के दे आर गोइंग टू कंडक्ट अ इंटरनल असाइनमेंट वर्क। और मैंने आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दिया था स्टूडेंट्स के उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड है आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फास्ट है रिगार्डिंग टेकिंग ऑल द इंटरनल वर्क फ्रॉम स्कूल्स सो दैट दे कैन प्रिपेयर द रिजल्ट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड। तो वो रिजल्ट बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। बट अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए 10th स्टैंडर्ड के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी तक सिर्फ इतना कंफर्म हुआ है स्टूडेंट्स कि आपका इंटरनल असाइनमेंट वर्क कंडक्ट किया जाएगा। अभी उसका फॉर्मेट होगा कि जो स्कूल्स होगा वो प्रोवाइड करेंगे आपको फॉर्मेट, उस तरह से आपको काम करना है कि सम स्कूल्स ने प्रीलिम एग्जाम्स कंडक्ट किया था, किसी ने ऑफलाइन किया था, किसी ने ऑनलाइन किया था, ये सब किस तरह से होगा उसका कोई फाइनल डिसीजन या फाइनल अपडेट नहीं आया स्टूडेंट्स। तो अगर मैं 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को कंक्लूड करूं तो एक पॉइंट समझ में आता है ऑल स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कि 10th में आप पास तो हो चुके हो, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। सो आप पास्ड इन योर 10th स्टैंडर्ड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके रिजल्ट्स बनने बाकी है। एंड आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टू टेक एडमिशन इन 11th स्टैंडर्ड। तो मेरे पास ऐसे भी डाउट्स आ रहे कि मैम हम 11th में कैसे जाएंगे, ये बड़ा डाउट है। तो हम 11th में कैसे जाएंगे, इट विल बी डिपेंड ऑन योर बोर्ड रिजल्ट्स। तो जिस तरह से आपके बोर्ड रिजल्ट्स प्रिपेयर करेगा ऑन इंटरनल असाइनमेंट वर्क एंड अलोंग विद दैट जब आप एडमिशन लोगे, तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। जिस तरह से हम कोई बड़ी कॉलेज में जाते हैं तो उनका एक टेस्ट होता है, उसी तरह से आपको एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस आपको एडमिशन्स मिलेंगे।
तो जो भी स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि आपके एडमिशन्स कौन से बेसिस पे होंगे, तो फर्स्ट विल बी योर रिजल्ट एंड सेकेंड विल बी योर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कॉलेज कंडक्ट करेगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन्स चाहिए। ये सब कुछ सिनेरियो इट विल बी इट वॉज फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो आई होप जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स से आप फ्री हो चुके हो, बट आपके जो असाइनमेंट वर्क है वो आप कंप्लीट करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को अगर फॉर्मेट स्कूल प्रोवाइड करता है तो उस तरह से आपको काम करना हो, तो स्कूल से आपको एक कनेक्शन रखना है, बिकॉज स्कूल्स के पास पहले फॉर्मेट आएगा एंड देन यू हैव टू फॉलो अकॉर्डिंगली। बट जो CBSE बोर्ड करेगा वही सेम फॉलो किया जाएगा फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, इतना हम समझ सकते हैं और इतना आप लोग भी समझ सकते हो। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट जो आ जाइए, जिसका मैंने वीडियो कुछ टाइम पहले ही अपलोड की है। तो अगर मैं बात करूंगी तो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कि हम करें तो क्या करें मैम, और आपका भी बात मैं समझ सकती हूँ। आप जो अभी तक मतलब जो सिचुएशन से गुजर रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, बिकॉज 10th का तो फाइनल हो चुका कि उनके एग्जाम्स नहीं होंगे, बट उनको असाइनमेंट वर्क दिया जाएगा, बट आपके लिए तो वो भी अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। एंड आपके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज क्यों लगेगा आपके लिए टाइम क्यों लगेगा, बिकॉज 10th स्टूडेंट डायरेक्टली 11th में जाने वाले, तो दे विल सिलेक्ट आइदर कॉमर्स, आइदर साइंस और आइदर आर्ट्स, ये तीन ही ऑप्शन रहेंगे। बट 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आपका एग्जाम होने के बाद, आपके हाथ में रिजल्ट आने के बाद, आपके लिए बहुत सारे ब्रांच ओपन होते, यस और नो, बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते। इफ आई टेक, वन कैन ऑफ फॉर CS, वन कैन ऑफ फॉर CA, वन कैन ऑफ फॉर NEET, वन कैन ऑफ फॉर JEET, तो ये सब बहुत सारे ऑप्शन होते। कोई BMS में जाएगा, कोई बैंकिंग में जाएगा, तो नंबर ऑफ फील्ड्स आर ओपन। तो ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके डिपार्टमेंट है, CM है, उनको कुछ तो सोचना पड़ेगा। सो इट विल टेक सम टाइम, तो आप ऐसा मत समझो कि आपके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, वी ऑल देयर विथ यू। तो सिर्फ आप हमारे ऊपर ट्रस्ट कीजिए स्टूडेंट, कुछ ना कुछ अच्छा ही सॉल्यूशन निकलेगा, सो बी रिलैक्स। और सेकेंड, अगर इम्पॉर्टेंट देखेंगे बात, तो एडमिट कार्ड के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, तो यू नो वेरी वेल कि आज का एक अपडेट आया है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक बोर्ड के लिए एनरोल नहीं हुए थे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया था, उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ चाहिए कि जो भी स्टूडेंट 12th बोर्ड एग्जाम इस साल देना चाहता है, दैट इज मैच 2021, वो मैच में अगर एग्जाम देना चाहता है तो उनके लिए दरवाजा खुल गया है, यस और नो, उनके लिए डोर्स ओपन हो गए। तो अभी भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो सोच रहा है कि मेरे को 12th एग्जाम देना था बट मेरा फॉर्म रह गया भर के, या मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, या कोई गलती हो गई थी, या कोई आप गांव में थे बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आप आ नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए गुड न्यूज है, बिकॉज आप अपने रजिस्ट्रेशन को वापस कर सकते हो। अभी से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया स्टूडेंट्स, तो मैं अगर पर्सनली बोलूंगी तो सभी जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो 12th देना चाहते थे बट अभी तक नहीं दे पा रहे थे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी या मेरे साइड से सजेशन दूंगी कि आप 12th का बोर्ड फॉर्म भरिए स्टूडेंट, क्योंकि इस साल अगर आप भरोगे तो निकल जाओगे, यू विल बी पास, डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। तो अगर उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे तो इतना सिंपल होगा क्या, तो आंसर इज नो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर देखो, हम जो नॉर्मल भी बोर्ड का फॉर्म भरते हैं उसमें आपको पता होगा 2 or 3 months पहले, एग्जाम से 2-3 महीने पहले ही हम क्या करते, फॉर्म भरना शुरू करते, और फॉर्म में हम क्या करते, हर एक डॉक्यूमेंट को अटैच करते, फॉर्म का वेरिफिकेशन करते, एक बार चेक करते हैं, फिर हम ऑनलाइन इसको फिलअप करते, फिर आपको एक मिनी हॉल टिकट आता है जो वापस से चेक किया जाता है, और फिर फाइनल हॉल टिकट आता है। उसी तरह से 10th का भी काम होता है, 12th का भी काम होता है। बट अगर आपको यहाँ पे ये बताया है कि वापस से आप रजिस्टर कर सकते हो जिसने रजिस्टर नहीं किया है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक दिन पहले, अगर मेरा कल एग्जाम है 12th स्टैंडर्ड का, अगर फॉर एग्जाम्पल कल एग्जाम है, तो आप अगले दिन भी आप रजिस्टर कर सकते हो। इतना आपको ऑप्शन दिया, इतना अपॉर्चुनिटी दिया, तो यू कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अभी जो भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से जो अभी तक सोच रहे थे कि हम 12th दे कि नहीं दे इस साल, वो वापस एनरोल कर सकते और रजिस्टर कर सकते। सो अभी यहाँ पे एक पॉइंट उठता है स्टूडेंट्स की पहले की तरह से एग्जाम होगा कि नहीं, जैसे कि पहले ऑफलाइन होता था सब प्रोसीजर कंप्लीट, तो डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि आपका एक दिन पहले अगर आप रजिस्टर करो स्टूडेंट तो हॉल टिकट भी आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताया है अभी तक,
बट हम ये मान सकते कि इंटरनल असेसमेंट अगर होता है, इंटरनल असाइनमेंट वर्क होता है, तो ये ऑप्शन माइट बी वैलिड होगा। बट आप रजिस्टर करके रखो स्टूडेंट्स, अगर दो जो देना चाहते हैं इस साल 12, तो आप रजिस्टर कर लो स्टूडेंट। एक ऑप्शन है कि आप पास हो जाओगे और निकल जाओगे। एंड द सेकेंड थिंग, उसका फीस कितना होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूजुअली फीस होता है आपका जो बोर्ड फॉर्म का 650 होता है, या मैक्स टू मैक्स आपका 700 तक जाता है, या 800 तक। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत दिन होता है, आपको भी पता होगा कि लेट फीस बोर्ड चार्ज करता है, राइट? तो अगर हम लेट फीस को भी काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है, और अभी तो बहुत ज्यादा अमाउंट है आपके लिए, दैट इज 8250। यस स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते हो, इस साल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको 8250 पे करना होगा। बट एक बार अगर आप 8250 पे कर देते हो, तो डेफिनेटली आप निकल तो जाओगे, क्योंकि चांसेस आर मोर हाई, एटलीस्ट आपका साल बर्बाद नहीं होगा। तो आपको इसके बारे में सोचना है। और ये जो मैं बता रही हूँ, जिसने अभी तक बोर्ड फॉर्म फिलअप नहीं किया है, 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है जिसने बोर्ड फॉर्म फिल कर दिया, उनको कुछ भी नहीं करना है, तो ये भी मैं मेंशन कर रही हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम लेंगे, तो जो 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स है, उनका इंटरनल असाइनमेंट वर्क होगा कि नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में कोई अभी तक अपडेट फाइनल नहीं आया है। बट हम जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आया कि मई 15 तक आपका लॉकडाउन हो चुका है, तो अगर हम देखेंगे मई एंड तक आपके एग्जाम्स होंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मई एंड में भी आपके एग्जाम्स नहीं होने वाले, क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा था कि 1 जून को आपका डिसीजन लिया जाएगा कि 12 की एग्जाम्स कब होंगे। तो जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड ने डिसाइड किया है कि 1 जून का वो डिसीजन लेंगे कि 12 का क्या करना है, तो आपके बारे में भी उसी टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा। इवन जो बोर्ड है एज वेल एज एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने क्लियरली स्टेटमेंट बोला है कि जो सीबीएसई करेगा, आईसीएसई करेगा, वही हम फॉलो करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट है। तो जो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ वेट करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अपडेट नहीं आया। जो आज का अपडेट था वो रजिस्ट्रेशन के लिए था, जो एडमिट कार्ड था उसके लिए था, जो आप अभी एनरोल कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ चुके, जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, उन सभी के एडमिट कार्ड आ चुके स्टूडेंट्स। कॉलेजेस में एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके, सिर्फ आपको एग्जाम अपियर करना है। एंड एडमिट कार्ड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें सीट नंबर लिखा होता है, और वो सीट नंबर जो रहता है वो आपके बोर्ड जो रिजल्ट होता है उसमें प्रिंट किया हुआ होता है, जिससे आपके आगे जाके जब आप जॉब पे जाओगे तो योर मार्कशीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होता है कि आप सही मार्कशीट प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, कि कोई डुप्लीकेट प्रोवाइड कर रहे हो। इसलिए आपका एंटायर थिंग जो होगा वो सब फॉर्मेट के हिसाब से ही होगा। सो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा आप आराम कर सकते हो, क्योंकि हम डिसीजन का वेट ही करें, जैसे आप सभी लोग वेट करो, जैसे वैसे हम टीचर्स भी वेट करें। सो विल वेट फॉर द गुड डिसीजन टू कम। टिल देन आपको पढ़ाई करना है कि नहीं करना है, तो मेरा सजेशन दे रही हूँ स्टूडेंट, आप पूरे दिन में एटलीस्ट 3 to 4 hours स्टडी कीजिए। जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट जा रहा है उसका एक बार गो थ्रू कीजिए, बट ज्यादा जैसे आप पहले पढ़ाई कर रहे थे वैसा ही करना वो आपके ऊपर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं मेरा सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि आपके लिए कोई भी फाइनल डिसीजन अभी तक नहीं आया है। सो विल वेट फॉर द सीबीएसई डिसीजन येट टू कम, देन अकॉर्डिंगली हम आपके बारे में सोचेंगे, ऐसा बोर्ड ने बता दिया। उसी के साथ जो रिपीटर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। अगर आपको रजिस्टर करना है स्टूडेंट्स, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ फॉर बोर्ड एग्जाम। सो आई होप जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है उनका इंटरनल असाइनमेंट इज फिक्स, कॉलेज प्रोवाइड करेगा, फॉर्मेट भी आ सकता है, तो आपको स्कूल्स विल प्रोवाइड, तो स्कूल्स के लिंक में रहना है। और 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है, अभी तक हम सीबीएसई के बोर्ड के रिजल्ट्स के बाद जो उसका डिसीजन है उसके बारे में ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, आपके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है वो गो थ्रू करो। इवन फॉर नॉन रिपीटर, जो रिपीटर स्टूडेंट्स है उनके लिए भी सेम फॉलो किया जाएगा। सो आई होप जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। एंड जो ईवीएस का प्रोजेक्ट है वो तो हमें इंटरनल वर्क सबमिट करना ही होगा स्टूडेंट्स, तो ईवीएस का प्रोजेक्ट जिसने आप बना के रखा है तो वो ऐसे ही रखो, वो सबमिट किया जाएगा। और जिसको कोई ईवीएस में डाउट है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सो आई विल प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू दैट। सो थैंक यू ऑल, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू ऑल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स।
स्टिल इफ एनी डाउट यू हैव देन प्लीज टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स कि आपके लिए वीडियो यूजफुल था, बिकॉज हमने सिंगल वीडियो में तो सब कुछ देखा है, बट अगर आप एक ही वीडियो आज ये देख लेते हो तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. सो आई होप इट इज वेरी यूजफुल टू ऑल, एंड इफ इट इज यूजफुल देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड एक लाइक करना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपके लिए अपडेट लाती रहूंगी और मुझे भी आपके मोटिवेशन का जरूरत है. सो प्लीज टू सपोर्ट माई चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट जो आपने मुझे दिया है. आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हु हैव सपोर्टेड मी टिल नाउ, एंड मैं होप करती हूँ कि आप इस तरह आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू.